हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना बैचलर्स इन नर्सिंग इटली से परस्यू करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यस, इटली में आपका बैचलर्स इन नर्सिंग 3 इयर्स प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि टॉट इन इंग्लिश है। यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों को मेजरली 2 यूनिवर्सिटीज में मिलता है, पालेर्मो यूनिवर्सिटी और सापियंजा यूनिवर्सिटी। लेकिन इस कोर्स के साथ एक इशू है, वो इशू ये है कि जब भी आप अपना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, वहां पर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये आपका यूनिवर्सिटी के टेस्ट सेंटर में होता है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। इस केस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है, इन केस अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका जो एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होता, और फिर उस केस में अगर आप किसी दूसरे कोर्स में भी एनरोल नहीं है तो आपको अपने होम कंट्री वापस आना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन है, इटली में एक और पॉपुलर कोर्स है जिसका नाम है बैचलर्स इन फार्मेसी। यहाँ पर बेसिकली जो ये फार्मेसी कोर्स है वो आपका बैचलर्स कम मास्टर कोर्स है। तो यहाँ पर जो फार्मेसी कोर्स मिलता है वो 5 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें 3 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का मास्टर्स इंक्लूडेड है। ये जो फार्मेसी प्रोग्राम है, ये आपका टॉट इन इंग्लिश है, प्लस ये आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तौर वर्गता में। यहाँ पर आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है TOLC-F। TOLC-F जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मेनली जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर IMET के लिए प्रिपेयर किया है तो इजीली वो एंट्रेंस एग्जाम अपीयर कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिकली यहाँ इंडिया में NEET का प्रिपरेशन किया है तो वो भी IMET एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका जो फार्मेसी का TOLC-F एग्जाम है वो भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये TOLC-F एग्जाम होता है, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50, और उसमें से आपका जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो आपको 18 लेके आने होते हैं, लेकिन अगर आप रैंकिंग लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 35 टू 40 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। यहाँ पर जो एग्जाम होता है आपका वो MCQ बेस्ड होता है क्वेश्चंस। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि अपना BSc इन नर्सिंग के लिए एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, वो अपना फार्मेसी कोर्स के लिए एक ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं और वहां पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिटर्न जो आपका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है TOLC-F, आप अपने घर से वो एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही आपको विद इन 48 आवर्स आप लोगों को उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, तो यू विल अश्योर्ड कि आपका जो एनरोलमेंट है वो उस कोर्स में यहाँ इंडिया से ही कन्फर्म हो जाता है, तो बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपके लिए नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फार्मेसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स में अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, साथ में अपना SOP, MOI, LOR। यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है कि आपको यहाँ पर IELTS का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास MOI है तो अभी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, आपको TOLC-F एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा, साथ ही आपको चेक करते रहना होगा डेट अवेलेबिलिटी डेट का। अगर वो डेट आपको अवेलेबल होती है तो नियर बाय स्लॉट बुक करके आपको वो एग्जाम अपीयर होना है, और जैसे ही यूनिवर्सिटी के कॉल एप्लीकेशंस ओपन होंगे आपको वहां पे यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको TOLC-F एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लस उसका अगर क्यूरिकुलम या उसका सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, कोशिश करेंगे वो स्टडी मटेरियल भी आपको समहाउ प्रोवाइड कराएं, या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएं, जिससे कि आप लोग उस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर वे में अपना जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अपना एप्लीकेशन सितंबर 2023 इनटेक के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है। यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी अपने एप्लीकेशंस ओपन कर चुकी है। यहाँ पर आपका पॉलिटिकानो दी मिलानो यूनिवर्सिटी और मैसेरेटा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है। सापियंजा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज में ओपन होने वाले, ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके एप्लीकेशन को इनिशिएट करने के लिए। अगर आप एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं या अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लाइव काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे लाइव काउंसलिंग सेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सो दैट हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आप लोगों को लाइव काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।